आज हम अपचाई एवं उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर देखेंगे, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा ह्रास, इसके बारे में देखेंगे, और वाटहीन धारा क्या होता है और चोक कुंडली किसे कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। तो इसमें अपन देखते हैं अंतर के बिंदु। अंतर के बिंदु के आधार पर, कुछ बिंदुएं हैं उनके आधार पर इन दोनों के बीच हम अंतर को बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, इधर है अपचाई ट्रांसफार्मर और दूसरी तरफ उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो जब हम अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर यदि अंतर के बिंदु हमारे पास है तो उसके आधार पर हम आसानी से अपचाई ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर उच्चाई ट्रांसफार्मर है उसमें अंतर बता सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अंतर के बिंदु में विभवांतर या वोल्टेज। अंतर का पहला बिंदु है विभवांतर या वोल्टेज। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज या विभवांतर का जो मान होता है, वह अपचाई ट्रांसफार्मर में जो हमको प्राप्त होता है, वह क्या होता है अपचाई ट्रांसफार्मर में, वोल्टेज का मान को यह कम कर देता है, वोल्टेज के मान को यह कम कर देता है। और जो उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, एक कम करता है अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। उसके बाद है इसमें फेरों की संख्या, अंतर के बिंदु में फेरों की संख्या के आधार पर इसमें अंतर बता सकते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, जबकि उच्चाई ट्रांसफार्मर में इसका जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कम होती है। उसी प्रकार फेरों की संख्या को द्वितीय कुंडली के लिए भी बता सकते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और उच्चाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो फेरों की संख्या के आधार पर हम दो अंतर लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है फेरों की संख्या के बाद यहाँ पर जो धारा की जो प्रबलता है उसके आधार पर भी हम यहाँ पर दोनों के बीच अंतर बता सकते हैं। धारा की प्रबलता के आधार पर अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। तो यहाँ पर जी धारा की जो प्रबलता होती है यहाँ पर अधिक होती है, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए धारा की प्रबलता अधिक होती है और उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए जो धारा की जो प्रबलता का जो मान होता है वह कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज बढ़ता है इसलिए यहाँ पर धारा की प्रबलता का मान कम होता है। इसके बाद इसमें जो और अंतर है, परिणमन अनुपात के आधार पर बताया जा सकता है। अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो परिणमन अनुपात का जो मान होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान एक से कम होता है और उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान एक से अधिक होता है। यहाँ पर लेस देन वन होता है और यहाँ पर ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर के बीच अंतर बता सकते हैं। पहला जो अंतर का बिंदु है यहाँ पर विभवांतर या वोल्टेज के आधार पर, अपचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर देता है जबकि उच्चाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। फेरों की संख्या के आधार पर यहाँ पर दो अंतर हम लिख सकते हैं। पहला प्राइमरी कुंडली के आधार पर, प्राइमरी कुंडली अपचाई ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है जबकि उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। और फेरों की संख्या का दूसरा अंतर,
हम इसमें बता सकते हैं द्वितीय कुंडली से, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अपचाई ट्रांसफार्मर में कम होता है, जबकि उच्चाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर धारा की प्रबलता बताएंगे। अपचाई ट्रांसफार्मर में जो धारा की जो प्रबलता जो होती है वह अधिक होती है, जबकि उच्चाई ट्रांसफार्मर में धारा की प्रबलता का मान कम होता है। परिणमन अनुपात अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए, इसके लिए जो परिणमन जो अनुपात होता है वह एक से कम होता है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए जो परिणमन अनुपात का जो मान होता है उसका मान एक से अधिक होता है। तो ये तो हो गया अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि या ऊर्जा ह्रास। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि या ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का ह्रास, ये चार प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, दूसरा को हम बोलते हैं शैथिल्य ह्रास या शैथिल्य हानि, तीसरा ताम्र ह्रास, और चौथा होता है लौह ह्रास। तो ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा की हानि जो होती है वह ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि चार प्रकार से होता है। एक तो होता है चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, दूसरा शैथिल्य हानि, तीसरा ताम्र ह्रास, और जो चौथा जो होता है वह होता है लौह ह्रास। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा की हानि का जो पहला बिंदु है वह है चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण। चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न जो समस्त चुंबकीय फ्लक्स जो है द्वितीय जो कुंडली है उससे पूरी तरह से संबंधित नहीं हो पाता। प्राथमिक कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है उसका मान जो द्वितीय कुंडली से पूरी तरह से संबद्ध नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में हम वहाँ पर बोलते हैं कि वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हानि होती है, तो उस स्थिति में ऊर्जा की हानि होती है, तो उस स्थिति में जब ऊर्जा की हानि होती है तब हम उसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। और चुंबकीय फ्लक्स के क्षरण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही हम द्वितीय कुंडली को जोड़ देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो प्राथमिक कुंडली से संबंध जो चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न होता है वह उसी के साथ जुड़े होने की वजह से द्वितीय कुंडली से भी संबंध हो जाता है। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय फ्लक्स क्षरण को हम कम कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा है शैथिल्य हानि या शैथिल्य ह्रास। शैथिल ह्रास क्या होता है, शैथिल ह्रास में होता है प्राथमिक कुंडली में जो प्रत्यावर्ती धारा के कारण जो लोहे की जो क्रोड है वह बार बार चुंबकित होता है और विचुंबकित होता है। ठीक है ना, प्राथमिक कुंडली में धारा के बहने के कारण आपका जो क्रोड जो होता है बार बार चुंबकित होता है और विचुंबकित होता है, इसके कारण वहाँ पर ऊर्जा की हानि होती है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा की हानि होती है हम उसको क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि। ठीक है, एक बार फिर से सुन सकते हैं अपन, शैथिल्य हानि हम किसको कहेंगे, जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा को भेजते हैं तो धारा के मान में जब परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में जो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है बार बार चुंबकित होता है, धारा जब धारा में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में कुछ अर्धचक्र में चुंबकित होगा, अगले अर्धचक्र में क्या हो जाता है, विचुंबकित हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर ऊर्जा की हानि होती है। तो इसको कम करने के लिए जो लोहे का जो क्रोड जो होता है उसको हम काहे का बनाते हैं,
नर्म लोहे का लेते हैं, शैथिल्य हानि को कम करने के लिए जो क्रोड जो होता है वो किसका बनता है, नर्म लोहे का, ठीक है। इसके बाद है हमारा जो अगला ह्रास ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा की हानि होती है वह होता है ताम्र ह्रास, उसको हम कहते हैं ताम्र ह्रास। तो ताम्र ह्रास में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर है उसका जो प्राथमिक कुंडली है और जो द्वितीय कुंडली है उनमें जो प्रतिरोध जो होता है वह शून्य नहीं होता। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली का जो प्रतिरोध जो होता है वह शून्य नहीं होता, जिसके कारण जो धारा का कुछ अंश जो है वह ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो हानि होती है हम उसको क्या कहते हैं, ताम्र ह्रास। और इसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, तांबे का मोटे तार का उपयोग करते हैं। किसको कम करने के लिए, ताम्र ह्रास को कम करने के लिए तांबे के मोटे तारों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अगला लौह ह्रास। लौह ह्रास में क्या होता है, हम किसको लौह ह्रास बोलते हैं, जो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है और भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण वहां पर ऊर्जा की हानि होती है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा की हानि होती है हम उसको बोलते हैं लौह ह्रास। और लौह ह्रास को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो क्रोड जो होता है उसको हम काहे का बनाते हैं, क्रोड को कैसे करते हैं, पटलित बनाते हैं। पटलित करने का मतलब क्या है, क्रोड को विद्युत अवरुद्ध बनाते हैं और उसको लेमिनेटेड कर देते हैं, तो ये कहलाता है लौह ह्रास और लौह ह्रास को दूर करने के उपाय। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखें ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास चार प्रकार का होता है, हम यहाँ पे देख रहे थे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास। तो ट्रांसफार्मर में चार प्रकार से ऊर्जा की हानि होती है, एक है पहला है चुंबकी फ्लक्स क्षरण, दूसरा है शैथिल्य हानि या ह्रास, तीसरा है ताम्र ह्रास और चौथा है लौह ह्रास। तो चुंबकी फ्लक्स क्षरण जब होता है तो चुंबकी फ्लक्स क्षरण कैसे होता है, प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न जो समस्त चुंबकी फ्लक्स जो है उसका मान द्वितीय कुंडली से पूर्णतः संबद्ध नहीं हो पाता, जिसके कारण वहाँ पर ऊर्जा की हानि होती है, तब हम उसको बोलते हैं चुंबकी फ्लक्स क्षरण। उसके बाद फिर इस स्थिति में चुंबकी फ्लक्स क्षरण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेट दिया जाता है, इस प्रकार से चुंबकी फ्लक्स के क्षरण को कम किया जाता है। उसके बाद है दूसरा जो ह्रास जो होता है यहाँ पर शैथिल्य हानि। तो जब शैथिल्य हानि कैसे होता है, जब हम प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस स्थिति में जो क्रोड जो होता है बार बार चुंबकित होता है और विचुंबकित होता है, जिसके कारण क्रोड गर्म हो जाता है, तो उस स्थिति में जो ऊर्जा की हानि होती है उसको हम कहते हैं शैथिल्य हानि। और शैथिल्य हानि को कम करने के लिए या शैथिल्य हानि के मान को कम करने के लिए हम जो क्रोड जो लेते हैं उसको नर्म लोहे का बनाते हैं। इसके बाद है ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा की हानि होती है अगली हानि वो है ताम्र ह्रास। ताम्र ह्रास हम किसे कहते हैं, जो ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है और जो द्वितीय कुंडली है उनका जो तार जो होता है उसका प्रतिरोध कम नहीं होता, नगण्य नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है तार गर्म हो जाता है, उसके कारण वहाँ पर ऊर्जा की हानि होती है। तो उस क्षय को हम बोलते हैं ऊर्जा क्षय। और इसको कम करने के लिए हम यहाँ पर जो प्राथमिक कुंडली या द्वितीय कुंडली में मोटे तारों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो चौथा ह्रास है वह लौह ह्रास। लौह ह्रास हम किसको कहते हैं, क्रोड में जो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड जो होता है उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और भंवर धाराओं के उत्पन्न होने के कारण वहाँ पर ऊर्जा की हानि होती है। और इसको कम करने के लिए जो क्रोड जो होता है उसको हम पटलित करते हैं या उसको लेमिनेटेड करते हैं, तो लेमिनेट करके वहाँ पर लौह ह्रास के मान को कम किया जाता है। तो इस प्रकार ये हो गया ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि। अब हम ट्रांसफार्मर से संबंधित एक आंकड़े प्रश्न लेते हैं। प्रश्न लिख लीजिए, ट्रांसफार्मर से संबंधित एकांकिक प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर, प्रश्न लिखो, एक ट्रांसफार्मर 2200 वोल्ट को 220 वोल्ट में
परिवर्तित करता है। इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 5000 है। इसकी दक्षता 90% है। इसकी दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। इसकी निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। निम्न की गणना कीजिए। इसमें पहला निकालना है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। और है बी निवेशी शक्ति। दो प्रश्न एक साथ दिए गए हैं, हमको द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और निवेशी शक्ति का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक ट्रांसफार्मर 2200 वोल्ट को 220 वोल्ट में परिवर्तित कर रहा है और इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 5000 है, और इसकी दक्षता भी दिया है 90% और निर्गत शक्ति दिया है 8 किलो वाट। तो अब इसका हम हल देखते हैं, क्या क्या दिया है उसको देखिए, यहाँ पर दिया है। अब देखो यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, 2200 वोल्ट को 220 वोल्ट में परिवर्तित कर रहा है, मतलब किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, यह अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का मान कम हो रहा है, मतलब 2200 वोल्ट पहले था वह कितना वोल्ट हो रहा है, 220 वोल्ट। तो उस स्थिति में जो वी पी का जो मान होगा, VP का मान कितना होगा, 2200 वोल्ट, और VS का मान कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट, और प्राथमिक कुंडली मतलब NP का मान कितना हो जाएगा, फेरों की संख्या इसमें 5000, और हमको ज्ञात करना है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। क्योंकि हमारे पास साथ ही साथ और क्या दिया उसको भी लिख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन के हल के लिए काम आएगा यहाँ पर। तथा दक्षता दिया है, दक्षता बराबर कितना, 90%। का मान कितना होता है, इसको हम लिखते हैं 90/100, दक्षता को हम लिखेंगे 90/100। तथा निर्गत शक्ति ऐसे लिखें, निर्गत शक्ति बराबर कितना दिया है, यहाँ नीचे लिख लीजिए, ये 8 किलोवाट है। तो सबसे पहले हम गणना करते हैं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। इसके लिए सूत्र हो जाएगा, सूत्र होता है यहाँ पर VS/VP बराबर NS/NP। इस सूत्र में हम मान रखेंगे VS का मान कितना दिया है, VS का मान 220 वोल्ट, VP का मान कितना दिया है, 2200 वोल्ट, और NS का मान कितना दिया है, निकालना है इसका मान, और NP का मान हमको दिया है 5000। तो NS बराबर कितना हो जाएगा, NS बराबर 220 × 5000 पूरे का 2200।
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कट रहा है, ये कट गया ये, और एक जीरो यहाँ से, और ये कट गया पूरा, कितना बचा ns बराबर 500। तो यहाँ पर ns मतलब 500 फेरे, इसका मतलब सेकेंडरी जो कुंडली है उसमें जो फेरों की संख्या है वह कितनी होगी, 500 फेरे। ये पहले क्वेश्चन का हल हो गया, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी, 500 फेरे होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे दूसरा इसका पार्ट है निवेशी शक्ति। इसके बाद दूसरा हिस्सा है ज्ञात करेंगे निवेशी शक्ति। हमारे पास सूत्र है दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर सूत्र होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निवेशी शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। अब हम इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का मान कितना है, 90/100। तो यहाँ पर लिख देते हैं 90/100 बराबर क्या ज्ञात करना है हमको, निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति का मान दिया है 8 kW बटे निवेशी शक्ति का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो निवेशी शक्ति बराबर अब कितना हो जाएगा, निवेशी शक्ति बराबर हो जाएगा 8 × 100/90, ठीक है। निवेशी शक्ति बराबर हो जाएगा 8 × 100/90, तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो निवेशी शक्ति बराबर कितना मिलेगा, 80/9, या इसी को लिख सकते हैं 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 8 = 72, शेष बचा कितना, 8/9, इतना किलो वाट। ये हमारा इसका सेकेंड पार्ट का आंसर है। तो इस प्रकार से निवेशी शक्ति का मान कितना मिला, 8/9 kW। तो निवेशी शक्ति मिला 8/9 kW के बराबर। तो ये हो गया आपका निवेशी शक्ति। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर से संबंधित आंकिक प्रश्न था। इसमें जनरली जो कुंडली प्राथमिक कुंडली है या द्वितीयक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही साथ दक्षता से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं कहीं परिणमन अनुपात ज्ञात करने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे वाटहीन धारा और चोक कुंडली के बारे में। अब देखते हैं वाटहीन धारा, वाटलेस करंट। हमको पता है यदि कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें केवल यदि शुद्ध प्रेरकत्व है या फिर केवल धारिता है तो उस स्थिति में, और साथ ही साथ प्रतिरोध का मान यदि शून्य होता है तो उस स्थिति में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के बीच का जो कलांतर जो होता है, कलांतर का मान 90° के बराबर होता है, ठीक है। मतलब यदि किसी कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें यदि केवल शुद्ध प्रेरकत्व लिया गया हो या फिर केवल प्रत्यावर्ती
मतलब धारिता ली गई हो, तो उस स्थिति में वहाँ पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और जो धारा के बीच का जो कलांतर जो होता है वह 90 अंश के बराबर होता है। तो उस स्थिति में जो औसत जो शक्ति जो होता है उसका मान कितना मिलता है, पी वी पी ए वी का मान कितना प्राप्त होता है यहाँ पर, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास 90 अंश, ये औसत शक्ति का फार्मूला होता है। तो यदि मान लो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व है या केवल धारिता है, तो उस स्थिति में वहाँ पर जो औसत शक्ति का जो मान होता है वह शून्य के बराबर होगा, क्योंकि कास 90 का जो मान होता है वह शून्य के बराबर होता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पी ए वी इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास 90 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है औसत शक्ति बराबर जीरो। का मतलब ये हुआ यदि किसी विद्युत परिपथ में केवल प्रेरकत्व है या फिर केवल धारिता है, तो उस स्थिति में वहाँ पर साथ ही साथ प्रतिरोध का मान वहाँ पर यदि शून्य है, तो उस परिपथ में धारा तो बहता है लेकिन वहाँ पर जो ऊर्जा की जो हानि होती है वह ऊर्जा की हानि वहाँ पर नहीं होती। तो इस प्रकार से उस परिपथ में जो बहने वाली जो धारा होती है उसको हम कहते हैं वाटहीन धारा। तो वाटहीन धारा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व है या केवल धारिता है और वहाँ पर प्रतिरोध का मान यदि नगण्य है या शून्य है, तो उस स्थिति में वहाँ पर धारा तो बहती है लेकिन ऊर्जा की हानि बिल्कुल नहीं होती। तो उस स्थिति में उस परिपथ में जो बहने वाली धारा है उसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। साथ ही साथ जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें हम धारा नियंत्रण के लिए, इसी कारण वाटहीन धारा के कारण ही जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें हम धारा नियंत्रण के लिए प्रेरकत्व का यूज करते हैं या फिर धारिता का यूज करते हैं। जैसे ट्यूबलाइट्स जो होते हैं उसमें धारा नियंत्रण के लिए चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है, और जैसे पंखे जो होते हैं उसमें संधारित्र का उपयोग करते हैं। तो ये वाटहीन धारा से संबंधित एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो हो गया वाटहीन धारा। इसके बाद हम देखते हैं चोक कुंडली। चोक कुंडली किसे कहते हैं, दिष्ट धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रण करने के लिए हम दिष्ट धारा परिपथ में ओमी प्रतिरोध का यूज करते हैं। उसी प्रकार से जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रण करना होता है तो उस स्थिति में वहाँ पर चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है, जो कि जिस कुंडली का हम यूज करते हैं उसका जो प्रेरकत्व होता है वह अधिकतम होता है और फिर जो प्रतिरोध का जो मान होता है वह नगण्य नहीं के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो डीसी परिपथ होता है या दिष्ट धारा परिपथ होता है उसमें हम धारा नियंत्रण के लिए काहे का यूज करते हैं, ओमी प्रतिरोध का यूज करते हैं, और जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा का नियंत्रण हम एक कुंडली की सहायता से करते हैं जिस कुंडली का प्रेरकत्व उच्चतम होता है और फिर प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। तो उस स्थिति में वहाँ पर जो धारा नियंत्रण करने के लिए जो युक्ति यूज की जाती है उस प्रेरण जो उस कुंडली को हम क्या बोलते हैं, चोक कुंडली कहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर ओमी प्रतिरोध का मान नहीं के बराबर है, नगण्य है, तो उस स्थिति में वहाँ पर विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में हानि नहीं होता है। साथ ही साथ प्रेरकत्व तो अधिक है जिसके कारण उस परिपथ का जो प्रतिबाधा जो है उसका मान बढ़ जाता है, और प्रतिरोध प्रतिबाधा का जब मान बढ़ जाता है तो उस स्थिति में वहाँ पर धारा कम बहती है, इस प्रकार से धारा का वहाँ पर नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी बनावट कैसे होती है, संरचना या बनावट। चोक कुंडली बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें नर्म लोहे का क्रोड होता है
जिसमें विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटा गया होता है। इस प्रकार से बनाया जा सकता है एक बेलनाकार नर्म लोहे का क्रोड है, इसमें विद्युत रोधी तांबे का तार को इसमें लपेटा गया रहता है। ढीले से लपेटते हैं ताकि हम यहाँ पर इस क्रोड को आगे पीछे कर सकें। इस प्रकार से और इनके बीच हम एसी सोर्स लगा देते हैं। यह है आपका एसी स्रोत और ये आपका लैंप है। लैंप और ये जो है ये है नर्म लोहे का क्रोड। और इसको बोल सकते हैं तांबे का विद्युत रोधी तार। तो इस प्रकार से ये चोक कुंडली की संरचना होती है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे मरकरी लैंप हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, उसके साथ हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और उसमें धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है। साथ ही साथ प्रत्यावर्ती धारा के मान को कम करने के लिए हम जब चोक कुंडली का यूज करते हैं तो वहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रित हो जाती है और फिर वहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा की जो हानि होती है वह नहीं के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका चोक कुंडली। अब इसके बाद देखते हैं एकांकिक प्रश्न। यहाँ पर जो आंकिक प्रश्न है, जैसे एसी परिपथ में जो शक्ति जो होता है और जो शक्ति गुणांक है उसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी से संबंधित है ये आंकिक प्रश्न। प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न है हमारा एल आर परिपथ एल आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो लगाया गया है वो है V बराबर 100 × sin 300 t। एल आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इज इक्वल टू 100 sin × 300 t आरोपित किया गया है यदि R बराबर 7 ओम तथा L R परिपथ है, इसमें R 7 ओम है और जो L का जो मान है वह 800 हेनरी के बराबर है। L का मान 80 मिली हेनरी लेकर के करते हैं, मिली हेनरी है। तो हमको यहाँ पर निम्न की गणना करनी है, तो निम्न की गणना कीजिए। पहले गणना करना है परिपथ की प्रतिबाधा, उसके बाद ज्ञात करना है परिपथ में प्रतिघात, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना, प्रतिघात नहीं है, प्रतिबाधा ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा का आयाम। और ज्ञात करना है यहाँ पर शक्ति गुणांक का मान।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, एक एल आर एसी परिपथ है, उस एल आर एसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण किससे दिया जा रहा है, वी इज इक्वल टू 100 sin 300 t, ये आरोपित किया गया है। साथ ही साथ आर का मान दिया है वहाँ पर, एल आर परिपथ में आर का मान 7 ओम के बराबर दिया है, और जो एल का मान जो है प्रेरकत्व का जो मान है वह 80 mH दिया है। तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है, इस परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, और परिपथ में जो प्रवाहित जो धारा है उसका क्या ज्ञात करना है, आयाम ज्ञात करना है, मतलब उसका उच्चतम मान ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है शक्ति गुणांक का मान। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में क्या क्या दिया है हल। तो यहाँ पर दिया है, पहले जो समीकरण दिया है उससे वी बराबर 100 sin 300 t, ये समीकरण दिया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। तो इसकी तुलना V इज इक्वल टू V0 sin ωt से करते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर V0 का मान कितना है, 100 volt के बराबर है, और ओमेगा का मान कितना दिया है, 300 cycle per second। ठीक है, और उसके बाद दिया है यहाँ पर साइकिल पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड होगा इसका मात्रक, ओमेगा है इतना रेडियन प्रति सेकंड। इतना रेडियन प्रति सेकंड, और फिर आर का मान भी दिया है, आर बराबर 7 ओम तथा एल बराबर 80 × mH है, इसलिए 10^-3 H, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर, पहले सबसे पहले ज्ञात करेंगे परिपथ की प्रतिबाधा। चूँकि ये एल आर परिपथ है, तो एल आर परिपथ के लिए जो प्रतिबाधा जो होता है वह जेड बराबर होता है, इसके लिए फार्मूला है। पहले ज्ञात करेंगे परिपथ की प्रतिबाधा, जेड इक्वल टू होता है एल आर परिपथ के लिए √R² + ω² × L² इस सूत्र की सहायता से हम परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे। तो देखिए परिपथ की प्रतिबाधा का मान गेट बराबर कितना हो जाएगा, मान रख दीजिए R का मान 7^2 धन ओमेगा का मान कितना है 300 का वर्ग गुणित L का मान कितना है 80 × 10^-3 इस पूरे का वर्ग। जब हम इसको हल करेंगे तो ये जेड बराबर हो जाएगा 7^49 धन 300 हो जाएगा 9000 गुणित, ये हो जाएगा 80 6600 × 10^3 10^6। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये जेड बराबर 49 धन, ये कितना हो जाएगा 9000 × 6600 × 10^-6, ऐसे दिया गया है यहाँ पर। तीन सौ का वर्ग कितना होगा, 3×3=9, 10 और लगेगा 90000, तो 90000 होगा, तभी कितना हो जाएगा 9×36=6576 × 10^-6 × 10^-6। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा जेड बराबर √49 + 576, 10^6 से 10^-6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 49 × 576। अब इसको टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9×6=15, 5×7=11, 6×625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, इसलिए जेड बराबर 25 ओम। तो इस प्रकार से
इस परिपथ की जो प्रतिबाधा जो होगा उसका मान कितना मिलेगा, 25 ओम के बराबर मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसका आयाम ज्ञात करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट, पहला हो गया, ये पहला है, इसके बाद दूसरा क्या ज्ञात करेंगे यहां पर, परिपथ में प्रवाहित धारा का आयाम, मतलब I0 का मान। इसके लिए सूत्र है, सूत्र है I0 बराबर V बटे Z। V0 बटे Z, ठीक है। तो I0 बराबर होता है V0 बटे Z, जहां I0 धारा का शिखर मान है या आयाम है, और V0 वोल्टेज का शिखर मान या आयाम है, और Z उस परिपथ की प्रतिबाधा है। तो यहां पर सूत्र में मान रख देंगे I0 बराबर V0 का मान कितना है यहां पर 100, और Z का मान अभी हमने निकाला है 25। तो ये कितना मिल जाएगा, 25 चौक 100, 4 एम्पियर। तो यहाँ पर जो धारा का जो आयाम जो होगा, धारा का जो मान होगा, वह 4 एम्पियर के बराबर होगा। इसके बाद देखते हैं इस परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। तीसरा पॉइंट है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक के लिए क्या फार्मूला होता है, एल आर परिपथ के लिए, एल आर परिपथ के लिए जो शक्ति गुणांक का जो मान होता है वह होता है आर बटे जेड के बराबर। शक्ति गुणांक बराबर होता है यहाँ पर आर बटे जेड। तो आर बटे जेड का मान निकालेंगे, शक्ति गुणांक कितना होता है कास फाई के बराबर। तो कास फाई बराबर आर, आर का मान है यहाँ पर 7, और जेड का मान कितना निकाले हैं 25। तो इसका मान होगा 7/25, जो कि हमको प्राप्त होता है 0.28 के लगभग। ये हमारा इसका आंसर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर परिपथ में, परिपथ की जो प्रतिबाधा है उसका मान निकाले, परिपथ की प्रतिबाधा 25 ओम निकला, परिपथ में प्रवाहित धारा का जो आयाम है I0 का मान निकाले, 4 एम्पियर के बराबर प्राप्त हुआ, और फिर जो शक्ति गुणांक का जो मान है वह हमको मिला 0.28। तो ये हो गया हमारा आंकिक प्रश्न। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर से संबंधित अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर देखा, उसके बाद ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि और आंकिक प्रश्न देखे, उसके बाद वाटिन धारा और चोक कुंडली के बारे में जाने। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।